एंड यार काफी ज्यादा लीन पे मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो पूरा टायर स्लिप हो जाता है यार बाइक का। बट यहाँ पे वही हाल है यार, तो यहाँ ऊपर से जाएंगे हम लोग अभी वापसी। तो अभी लूज होगी यार। अच्छा शोकर पे वेट पड़ा हुआ था आई थिंक, तो क्योंकि शोकर पे वेट पड़ता है तो इसकी चेन जो है ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फाइनली गाइस अभी मैं शाम के टाइम निकल चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो शूट करने, एंड अपने पास अपनी 390 और हालत देखो यार पहले तो कितनी गंदी हो रखी है, और मुझे यार इसको वॉश करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। सो मैं रेगुलर वीडियो वगैरह अपलोड कर रहा हूँ और बाकी मतलब एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है, सो उस चक्कर में बाइक वगैरह काफ़ी गंदी हो रखी है। अभी मेन मुझे पड़ा है कि चैनल ग्रो करना है यार, ठीक है। सो अभी मैं निकल रहा हूँ फिर से ऊपर वाली साइड। सो ऐसे ही शाम के टाइम मैं फ्री था घर में, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बना के आते हैं, क्योंकि मैकलो वाली साइड में निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ शूट हो ही जाता है हर बार। तो अभी भी मैं फ्री था तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करके आते हैं शूट। सो अभी निकलते हैं। एंड यार वेदर आप लोग देख ही सकते हो, ये देखो यार सारा फोग यहाँ पे। एंड यार काफी ज्यादा लीन पे मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो पूरा टायर स्लिप हो जाता है यार बाइक का। गाइस यार रोड पे पानी गिरा हुआ है, एंड मैं जैसे ही सेकंड या थर्ड गियर में एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो फुल इसका टायर स्लिप हो गया, निकल रही है बाइक यार। और थैंक गॉड यार आज यहाँ से ट्रैफिक नहीं लगा हुआ है। तो यार शाम के टाइम मुझे वीडियो वगैरह शूट करने का काफी मजा आता है यार। बट यहाँ पे वही हाल है यार, सारे मतलब गाड़ी वगैरह रोक के रखी हुई है और मैं निकल आया ऐसे ही। सो आज हम जाएंगे चर्च वाली साइड। सो गाइस यार यहाँ पे जाके आते हैं एंड देखते हैं। सो गाइस मैं ऐसे आ जाता हूँ यार जब भी मतलब मेरे पास फ्री टाइम होता है थोड़ा बहुत भी, तो मैं ऐसे वीडियो वगैरह शूट करने आ जाता हूँ। एंड उस साइड देखो यार कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारा फोग अप हो चुका है। एंड ये जो पानी गिरा है ना गाइस ये काफ़ी रिस्क रहता है, इसमें टायर वगैरह काफ़ी स्लिप हो जाते हैं। एंड आप लोगों ने देखा ही आज फिर से मैकलो में फुली जाम लगा हुआ है और यहाँ पे लग चुका है फिर से ट्रैफिक। और ये रहा चर्च, ये देखो। सो गाइस ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाना ठीक नहीं है। सो गाइस यहाँ पे तो ट्रैफिक लग चुका है, सो हम लोग अभी वापसी जाएंगे दूसरे वाले रोड से। सो यहाँ ऊपर से जाएंगे हम लोग अभी वापसी। एंड यार पानी पे तो भाई काफ़ी आराम से निकालने पड़ती है मेरे को बाइक, क्योंकि एक बार टायर स्लिप हुआ ना तो बाइक कंट्रोल नहीं होती फिर यार। एंड यार देखो वहाँ नीचे ट्रैफिक लगा हुआ था तो सारे टैक्सी वाले एंड जितने भी कार वाले सारे यहाँ से जा रहे हैं यार। यह होगी न्यूट्रल। सो अभी इसका इंजन ऑयल वगैरह चेक करते हैं। सो गाइस देखो यार
इंजनल अभी भी लीक कर रहा है इसका, कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट इंजनल लीक कर रहा है। सो गाइज आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, जो पिछली वीडियो है ठीक है, और जो ये वाली वीडियो है वो मैंने एक ही दिन शूट करी है। जो पिछली वीडियो थी वो मैंने सुबह के टाइम शूट करी हुई थी, और जो ये वाली वीडियो है वो मैं शाम के टाइम शूट कर रहा हूँ। एंड यार मैं सोच रहा हूँ बाइक को कर दूँ न्यूट्रल, होप यहाँ पे न्यूट्रल बच जाए। और यहाँ पे देखो यार सारा फोग ही फोग, फोर वीडियोस तो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है फुल पावर। मतलब एक दिन में तो एक ही वीडियो डालूंगा, बट शूट की बात की जाए तो मैं एक दिन में दो कर दे रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी आज सैटरडे है तो आज का दिन मैं फ्री था, कल संडे को आएगी ये वाली वीडियो। सो देखते हैं, एडिटिंग वगैरह तो आज तो नहीं होगी, कल ही होगी एडिटिंग। तो अब सो यार ऐसे काफ़ी खज्जल होते हैं यार, देखो ना दोनों वीडियो मैंने आज ही शूट की हैं। एक जो पिछली वीडियो थी वो तो मैंने पिछले कल पोस्ट कर दी है, मतलब पिछले कल तो क्या, सो वीडियो तो आज ही शूट कर रहा हूँ भाई। सो वो वीडियो मैंने आज ही पोस्ट करनी है, अभी 5:30 हो गए, 6 की वजह तक कर दूँगा। तो मतलब जब तक आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो आज है संडे, मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि वीडियो आज मैंने अपलोड आज ही की है। सो गाइस यार कभी कभी काफ़ी खज्जल होता हूँ कि क्या बोलना है। सो आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, एंड खुद के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम फिर से ट्रैफिक वाले एरिया पे, एंड नीचे वाली लेन में देखो यार सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। ओ शिट मैन, और इसकी लाइट को क्या हो रहा है यार। सो गाइस हम ऐसे ही घुस जा रहे हैं, यार गाड़ियाँ नहीं होती ना, पब्लिक रिएक्शन काफ़ी खतरनाक आने थे, पर गाड़ियाँ बहुत है यार। तो गाइस आज मैं फुल चिल मोड में आया हूँ यार, और इसकी लाइट को क्या हो रहा है यार बार बार। सो बाइक को कर देते हैं अब बंद। सो गाइस यार इन दो गाड़ियों की वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। सो गाइस आ चुका हूँ फिर से मैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमने पिछली वीडियो एंड की थी। सो आज की वीडियो भी हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं। आज बाइक को हम लगाएंगे ऐसे ही। सो गाइस यार पता नहीं आज की वीडियो में क्या क्या शूट हुआ है क्या नहीं, ठीक है। और इसका ऑयल अभी तक भी इसका लीक कर रहा है यार। सो मैं जितना बाइक को चला रहा हूँ उतना इसका ऑयल लीक हो रहा है। आज थोड़ा सा इसकी डिस्प्ले में देख लेते हैं यार सिस्टम वगैरह, मैंने इतनी डिस्प्ले वगैरह इसकी यूज़ नहीं की अभी। अच्छा ये तो ब्लूटूथ का है, ट्रिप एंड डेटा। गाइस अभी हमारी बाइक में पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बता रहा है कि 160 किलोमीटर अभी चल सकती है बाइक, ठीक है। बाकी मोटरसाइकिल में ABS का है,
सुपर मोटो में इसका एबीएस ऑफ हो जाता है, रोड मोड में तो एबीएस ऑन ही रहता है। एंड सेटिंग में जाएं, सेटिंग की बात करें, क्विक सेलेक्टर एपीएस, सो गाइस काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है यार। ब्लूटूथ डिस्प्ले की थीम ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं हम लोग, नाइट, तो फ़िलहाल मैं नाइट रखी हुई है। एंड शिफ्ट लाइट, तो शिफ्ट लाइट की बात करें तो ये अभी देखो 1000 किलोमीटर पे इसकी शिफ्ट लाइट ओपन होगी। लैंग्वेज का भी ये देखो यार गाइस, चेन इसकी खुद टाइट हो चुकी है, ये क्या दिक्कत है, ओ शिट मैन। तो गाइस मैंने हाथ फिर से गंदे कर लिए हैं, और यार इसकी चेन ऑटोमेटिकली टाइट कैसे होगी ये। तो अभी लूज़ होगी यार। अच्छा शॉकर पे वेट पड़ा हुआ था आई थिंक, तो क्योंकि शॉकर पे वेट पड़ता है तो इसकी चेन जो है ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है। मेरे को इसकी हेडलाइट ही काफ़ी पसंद है यार, और यार ये गाइस मेरे को उड़ा ही ना दे। हवा वगैरह तो मैंने उस दिन भरी थी इसमें, अगले में 30 रखी थी, पिछले में 40 कर दी थी। सो गाइज अभी वीडियो एंड करने का टाइम है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइज मिलते हैं अब आप लोगों को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फुल सपोर्ट।